नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में विधान परिषद की खाली पड़े दो सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटें भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इनमें एक सीट पर भाजपा ने शहनवाज हुसैन की नाम की घोषणा की है। इसके साथ ही उनकी चुनावी राजनीति में वापसी भी हो गई है। भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। सोमवार को शहनवाज हुसैन ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। शहनवाज हुसैन द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के हिसाब से देखें तो उनकी पत्नी रेणु हुसैन के पास उनसे ज्यादा चल संपत्ति है। रेणु हुसैन के पास उनके पति से 8 गुना अधिक चल संपत्ति है। शहनवाज हुसैन के पास जहां 22.78 लाख की संपत्ति है, वहीं उनकी पत्नी रेणु के पास 1.92 करोड़ की चल संपत्ति है। इसमें 37 लाख रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। हालांकि अचल संपत्ति के हिसाब से देखें तो शहनवाज हुसैन इस मामले में अधिक धनी हैं। शहनवाज हुसैन के पास 3.70 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें गाजियाबाद और नोएडा के 2 फ्लैट शामिल हैं। दोनों फ्लैट की कीमत क्रमशः 1.5 और 2 करोड़ बताई जाती है। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार उनके पास 2006 मॉडल की एक अम्बेसडर कार भी है। वहीं शहनवाज हुसैन के ऊपर 1.07 करोड़ का लोन भी है। दोनों पति पत्नी के वार्षिक आय की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न में यह बताया गया है कि शहनवाज हुसैन की उस वर्ष की कुल आय 4.2 लाख और उनकी पत्नी की आय 13.81 लाख है। दोनों के पास कृषि अथवा गैर कृषि योग्य किसी प्रकार की भूमि नहीं है। शहनवाज हुसैन और रेणु देवी की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल दोनों ने प्रेम विवाह किया है। जानकारों के अनुसार शहनवाज हुसैन पहली मुलाकात में ही रेणु को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों एक ही बस में बैठकर कॉलेज जाया करते थे, लेकिन रेणु हिंदू धर्म से है और शहनवाज हुसैन मुस्लिम समुदाय से आते हैं। धर्म अलग होने की वजह से रेणु अक्सर उनके और शहनवाज हुसैन के बीच चल रहे प्रेम को आगे बढ़ाने से मना करती रही। वास्तव में शहनवाज उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन रेणु इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार करती रही। बताया जाता है कि रेणु ने करीब 9 साल तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। 9 साल के बाद आखिरकार बात बनी और शहनवाज रेणु की शादी हो गई। कहा जाता है कि दोनों की शादी में उमा भारती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दोनों परिवारों को शादी के लिए तैयार किया था। इस दंपति के 2 बेटे हैं। बताते चले कि भाजपा नेता शहनवाज हुसैन भागलपुर से 2 बार 2006 और 2009 में सांसद रह चुके हैं। 1999 में किशनगंज से भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह पहला मौका है जब वह चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है क्योंकि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। साल 2014 में वह भागलपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वह नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।